हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में किसी डेटा के बीच में अगर आपको कोई ब्लैंक सेल मिलता है तो इन ब्लैंक सेल को किसी स्पेसिफिक वर्ड से कैसे फिल करेंगे। देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको उन सारे ब्लैंक सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। कीबोर्ड से कंट्रोल जी दबाना है, स्पेशल में जाना है, ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो जितने भी ब्लैंक सेल हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो वर्ड आपको ब्लैंक सेल में फिल करना है वो आप डाल देना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ नो डेटा, और इसके बाद आपको कंट्रोल और एंटर दबा देना है। तो जैसे आप करेंगे आप देखेंगे जितने भी ब्लैंक सेल हैं वो उस स्पेसिफिक वर्ड से यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।